है, जैसे कि कुंभ का मेला लग गया हमारे चिड़ियाघर में। एक्चुअली क्या हुआ है, दो अखाड़े हैं, एक अखाड़ा है जो कि शिव भक्तों का है और दूसरा है गणपति भक्तों का, और उनके लीडर्स हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, हमारे बनारस में रहते हैं। अब क्या हुआ है कि मुझे गणपति जी का सपना आया था, उन्होंने मुझसे सपने में कहा कि तुम्हारे गार्डन में मेरी एक मूर्ति गड़ी हुई है, प्लीज़ उसे बाहर निकालो। मैंने अपने पति को बता दिया, पहले तो ये माने ही नहीं, लेकिन उसके बाद मेरी बात मान गए पूरे परिवार वाले और हम लोगों ने ज़मीन को खोद के गणपति जी को बाहर निकाल लिया, उनकी मूर्ति को बाहर निकाला। अब जैसे ही मूर्ति को बाहर निकाला, इन अखाड़ों में से किसी एक योगी बाबा ने देख लिया और वो अपने बड़े गुरु के पास गया और उसने ये बात बता दी, और धीरे धीरे करके पूरे बनारस में ये बात फैल गई कि हमारे घर से गणपति जी की मूर्ति निकली है और मैंने उनका सपना देखा था, या वो मेरे सपने में आए थे, उन्होंने दर्शन दिए थे। तो जब वो यहाँ आते हैं तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि यहाँ पर शिव धाम बनेगा या फिर गणपति धाम बनेगा। तो अब टेंशन यही चल रही है कि एक्चुअली बनेगा क्या चिड़ियाघर का। चिड़ियाघर में भी गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है और उसके लिए क्योंकि हमारे पास गणपति जी की ऑलरेडी मूर्ति है तो हमने उसको स्थापित कर दिया है, और क्योंकि दोनों के दोनों गुट भी हैं साधुओं के, तो वो भी पूजा में हैं। अब बड़ा डर लग रहा है उनसे, क्योंकि वो तो भभूत निकालने की बात करते हैं दो दो मिनट में और भस्म करने की बात करते हैं। तो आप क्या, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग में हैं, तो आप जो है, दोनों लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप फाइनली गणपति का के फेवर में हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो किसी के भी फेवर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ चिड़ियाघर के फेवर में हूँ, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम इसे एक धाम बना दें, यानी कि एक मंदिर बना दें, जबकि ये तो हमारा घर है। ऑब्वियसली घर एक मंदिर होता है, लेकिन ये चिड़ियाघर है जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, अगर ये मंदिर बन जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। अच्छा, गणपति उत्सव है, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे, क्या गणपति पे क्या खास करते हैं? गणपति में मेरे घर में तो हर साल गणपति आते हैं, इस साल हमने थोड़ा स्किप किया है क्योंकि आप कुछ साल उस चीज़ को रेगुलरली करते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पॉज आपको देना पड़ता है, एक दो साल का गैप दिया जाता है, तो अभी वो गैप चल रहा है, वरना तो हर साल हमारे यहाँ यू नो मेजरमेंट के हिसाब से मेरी मॉम गणपति लेकर आती हैं एक रात पहले, फिर उस अगली सुबह जब गणेश चतुर्थी होती है तब पर्दा हटाया जाता है, उसको अच्छी तरह से यू नो पूजन होता है, पूरा विधि विधान से हम पूजा करते हैं और डेढ़ दिन के गणपति रखते हैं ज़्यादातर। इस बार आपने गणपति में क्या मांगा, गणपति से ऐसा कुछ स्पेशल? बहुत कुछ मांगा है, लेकिन वही है कि कहते हैं कि जब तक आपकी विशेष पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक बोला नहीं चाहिए, बट जनरल विशेष यही है कि फैमिली अच्छी रहे, खुश रहे, यू नो मुझे सक्सेस मिले, काम अच्छा चले, चिड़ियाघर और ज़्यादा चले, यू नो और हमारी रेटिंग बढ़ जाए, तो ये सब बहुत ही जनरल विशेष हैं। उसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मांगी हैं, मैं तो दिल खोल के मांगती हूँ और मुझे पता है कि गणपति जी का दिल भी बहुत बड़ा है, वो दिल खोल के देते हैं। Thank you.
बनेगा, गणेश धाम बनेगा, शिव धाम बनेगा।
चलता भला और नदियां तो बहती भला। बाबू जी तो पिछले साल के तीसरे महीने के चौथे हफ्ते का मुहावरा है। डॉट 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 डॉट। नहीं बेटा, ये चौथे साल के तीसरे महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा देख ले डारी। या शिव धाम पंच जी, यहाँ पर गणेश धाम बनेगा। यहाँ शिव जी की मूर्ति है, शिव जी का वास है। गणेश धाम बनेगा, शिव धाम। चाहे कितना भी प्रश्न कर लो, चेष्टानंद हमें क्रोधित करने की चेष्टा ना कर, यहाँ शिव धाम बनेगा। शोभाचार्य, मुझे क्रोधित होने पर विवश मत करो, अन्यथा। अन्यथा क्या? बन सकते हैं। हाँ, बाबूजी, टाइम जाएगी, बात को समझिए।